अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाय मैरी। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास 9 की चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का उस जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसकी सेल्फ असेसमेंट 7.1 करवाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडर गोइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, इसमें हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ रूल्स को भी अपने जहन में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई एलिमेंट है वो अगर सिंगल अलोन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी एंड दिस दैट, ठीक है। वो के आपको पता ही होंगे। अच्छा, अब देखिए मैंने ज़रा इनके ऊपर असाइन की हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आप देख सकते हैं ये जीरो है क्योंकि ये अलोन है, ये भी जीरो है क्योंकि ये अलोन है, और अगर एन एच थ्री में आ जाए तो यहाँ पे एच होता है प्लस वन और ये थ्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस थ्री, और ये उसकी होती है माइनस थ्री। तो अब ये जो है, अब यहाँ पे जीरो से एन की जो है वो जीरो से माइनस थ्री हुई है, ठीक है। जीरो से माइनस थ्री हुई है क्योंकि ये रिडक्शन हुई है, डिक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन जो कि एन है उस पे हो रही है रिडक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप रीजन भी साथ लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया रिडक्शन, नाइट्रोजन पे हो रही है रिडक्शन। सिमिलरली आप अगर हाइड्रोजन पे देखें तो वहां पे हो रही है इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जीरो टू प्लस थ्री, तो मींस यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, सही है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट आपको एक बता देती हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, मैं ये सेकंड वाला लिख रही हूँ यहाँ पे, 2H2 प्लस O2 और 2H2O। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन। इसकी क्या होगी क्योंकि ये अकेला है जीरो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जीरो क्योंकि अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ होल जीरो ही होगी, लेकिन किस तरह, ये होगी प्लस टू और ये होगी माइनस टू ऑक्सीजन की, ठीक है। और एज अ होल तो ये जीरो ही बन रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब हम इसकी बेस पर जज करेंगे कहाँ पे रिडक्शन हो रही कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही। अच्छा जी, मैं लिख लेती हूँ H का, H में हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, और O में हो रही है रिडक्शन। H में हो रही है ऑक्सीडेशन, वो मैंने आपको अभी रीजन ऊपर ही बताई है कि क्यों हो रही है, क्योंकि वो जीरो टू प्लस टू हो रही है, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में हो रही है रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ इसी तरह इसके सारे बारी बारी।
ये देख रहे हैं जी, आपके सामने मैंने थर्ड वाला लिख दिया है। अब हम इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें तो Fe2O3 के ऊपर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना शुरू करूँ तो अच्छा ये देखें कि फेरिक मतलब फेरिक ऑक्साइड, फेरिस इज आयरन, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑलरेडी +3 होती है, तो उसको मैंने ये जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑक्सीजन की होती है -2, उसको मैंने ये सबस्क्रिप्ट में जो 3 लिखा हुआ है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल ये एक हो गया है न्यूट्रल कंपाउंड। अब यहाँ पे ये अकेला तो नहीं है, तो यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है जी, यहाँ पे होगा प्लस और वहां होगा माइनस। ये देख लें आप, मैंने +2 और -2 कर दिया इसके ऊपर। आप आगे चलें, इसके ऊपर ये अकेला एग्जिस्ट कर रहा है तो 0, और यहाँ पे क्या हो रहा है +4। अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कार्बन की यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे -4 बनता है, और अगर यहाँ पे +4 होगा तभी तो ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होगा। अब देखें कार्बन की कहीं पे चेंज है, कहीं पे चेंज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तो आपको पक्की पता है कि -2 है, और इसको +2 से किया तो ये -4 होगा। अब यहाँ के हमें +4 चाहिए था, तभी तो कहीं जाके ये +4 और -4 0 बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को खुद डिसाइड करना होता है एक कंपाउंड के साथ कि दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके रिस्पेक्ट से क्या होगी, तभी कहीं जाके ये 0 बनेगा, ठीक है। अब हम इसके साथ फैसला करने लगे हैं कि कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे हो रही है ऑक्सीजन। सी पे देखने चलते हैं, सी पे हो रही है ऑक्सीडेशन। देख लें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है सी पे, हो रही है फेरिक, फेरियस मीन्स आयरन, आयरन पे हो रहा है जी रिडक्शन, ठीक है जी। आपको मैंने रीजन बता दी है कि क्यों हो रही है, आप उसको खुद भी मैंने आपको असाइन करवा दी है, आप उससे फैसला कर सकते हैं कि रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके अलावा सी ओ जो प्रॉपर है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, सी ओ पूरा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये जो सी है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसके अंदर, इस सी ओ के अंदर, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक हो गया। ये पूरा जो है एजेंट, इसको हम एज अ होल रखेंगे, और साथ में हम लोगों का Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा का जो है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो है Fe की रिडक्शन हो रही है, तभी ये ऑक्सीडेशन एजेंट है। ये है Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। अब हम ये इसको नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके, वो क्या कहता है।
अच्छा जी, मैं अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने लगी हूँ। यहाँ ये अकेला है तो जीरो, ये भी अकेला है तो जीरो। अब यहाँ पे चलते जाएं, ये थ्री लिखा हुआ है, Fe2O3, दैट इज थ्री। ठीक है, अच्छा अब मैं देखने जाऊं तो Al के साथ टू लिखा है, Al की वैसे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3। ठीक है, वैसे +3 होती है और साथ सबस्क्रिप्ट में टू लिखा है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीडेशन की -2 होती है और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये -2 होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की, और साथ में मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया +3। ठीक हो गया, तो अब हम इसका फैसला करेंगे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। Al में हो रही है जी, आप देख सकते हैं, 0 से +3 गई है, तो 0 से +6 गई है सॉरी, तो वहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन। Al पे हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन, और O2 पे हो रही है हमारी, O2 पे हो रही है रिडक्शन। ठीक है, आपको मैंने बता दिया आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखते हैं कि 0 से बढ़ के क्या हो गई और ये 0 से कम होके क्या हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अपना जज करना है कि ये किस तरह से होगा। तो अब मैं आप लोगों को फिर साथ साथ सेल्फ असेसमेंट 7.2, 3, 4 इसी तरह ही करवाती जाऊंगी ताकि हमारी एक सीरीज कंप्लीट हो जाए 7 चैप्टर की भी। अच्छा, मेरी नेक्स्ट वीडियोस तक वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली सेल्फ असेसमेंट 7 चैप्टर की आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।